सो व्यूअर्स, राइट नाउ मैं मौजूद हूँ जो कि इनका जर्नल ब्लॉक है। जर्नल ब्लॉक की बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो मैंने कहा आज आपको लैंड का विज़िट करवा रहे हैं, तो सबसे पहले जर्नल ब्लॉक का विज़िट करवाती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रही हूँ कि पहले मैं आती थी तो जर्नल ब्लॉक की जो लैंड है वहाँ मुझे पता नहीं चलता था, और काफ़ी इन्होंने कटिंग वगैरह भी यहाँ पर भी की हुई है, और ये इनका जर्नल ब्लॉक है। अभी मैं सबसे पहले जाऊँगी जर्नल ब्लॉक का विज़िट करूँगी, और इनकी टीम जो है हमारे साथ मौजूद है, इफ्तिखार साहब हमारे हमें विज़िट करवाएंगे, और जो कि लैंड इनकी है हम वो विज़िट करेंगे जर्नल ब्लॉक की, और उनसे जो भी क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं वो भी मैं कोशिश करूँगी पूछूँ। व्यूअर्स, जर्नल ब्लॉक की मेन एंट्रेंस से मैंने मीटर रीडिंग 00 कर दिया, और अब हम यहाँ से जाएंगे, ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि कितने किलोमीटर जो है जर्नल ब्लॉक में हमने ट्रैवल किया और कितनी लैंड का, फिर वहाँ से भी काफ़ी आइडिया होता है। तो ये जो थोड़ा सा गाइड करेंगे, ये यहाँ पे आप ब्लॉक्स में डिवाइड किए हो, तो ये हम अभी 1 किलोमीटर तकरीबन आ चुके हैं, तो थोड़ा सा बताते भी चलें आप हमें साथ। इसमें जो इन जनरल में एंट्रेंस हुए तो जो स्टार्ट में जितनी भी आपकी जो ज़मीनें देखी हैं, ये तकरीबन 1200 कनाल है जो भी अभी तक अनप्लान है। अभी जो हमारे राइट लेफ्ट के ऊपर लैंड आ रही है, राइट के ऊपर ए ब्लॉक आ रहा है, लेफ्ट साइड पर बी ब्लॉक आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ से बेसिकली ये प्लानिंग में है। ठीक हो गया। तो अभी तो रोडन निकले हुआ जितनी ज़मीनें हैं कि जो अभी अनप्लान है, ये जब आप विजिट का कम्प्लीट करेंगे फिर आपको आइडिया होगा, और डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर आपको लेके जाएंगे और आपको प्रॉपर विजिट कराएंगे जो इसकी ज़मीनें हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये जर्नल ब्लॉक में सामने आप देख सकते हैं इनका क्रशर प्लांट जो है अपना जर्नल ब्लॉक में इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पे जितने भी कंक्रीट वगैरह पत्थर वगैरह होते हैं उनको क्रश करके, तो जो भी रोड्स वगैरह में चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो कि वो यहाँ पर इनके अपने इन हाउस है। व्यूअर्स, यहाँ पे आज जो है मैं चाह रही हूँ कि सोसाइटी वाले ज़्यादा बोले और कुरुतलैंड ना बोले, और कुरुतलैंड को भी ये गाइड करें, क्योंकि हमेशा कुरुतलैंड तनकीद करती है, तो ये कहते हैं कि आए आज आपको हम बैठ के ऑफिस में या मुँह ज़बानी नहीं बताएंगे, विजिट करवाते हैं। आज के दिन मशीनरी यहाँ पर नहीं लगी, बिकॉज रीज़न ये है कि यहाँ पर सेक्शन 4 लगा हुआ, जैसे कि इन्होंने बताया है। अच्छा व्यूअर्स, तकरीबन 6 किलोमीटर हम सोसाइटी में ट्रैवल कर चुके हैं, और यहाँ पे जो इनका जावा डैम है, खसाला डैम को तो मैंने आपको पहले विज़िट करवाया था जो कि फार्म हाउस व्यू करता है, और ये जो है जावा डैम है, मैंने कहा आज आपको ये भी दिखा दूँ। ये भी रुडन के पास 2 डैम्स हैं, ये दिखाने का मकसद एक तो ये है कि रुडन के अंदर जी 2 डैम्स लगते हैं और ये इनकी उसमें हदूद में आते हैं। व्यूअर्स, वैसे आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत आबादी है, और पानी का इशू बहुत सारी सोसाइटीज़ में होता है जो कि लोग हाईलाइट नहीं करते, लेकिन यहाँ रुडन इनक्लेव के अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि रुडन इनक्लेव में 2 डैम्स हैं, एक जावा और एक खसाला डैम, और इन डैम्स के होने की वजह से जो रुडन इनक्लेव को बेनिफिट होगा, मतलब यहाँ पर सारी ज़िंदगी आपको पानी का इशू नहीं होने वाला, क्योंकि 2 डैम्स इनके अपने यहाँ पर सोसाइटी को अटैच्ड हैं। एक ये जावा डैम है, खसाला डैम को हम आपको विज़िट करवाते हैं, लेकिन ये जावा डैम है, तो मतलब रुडन इनक्लेव में पानी का इशू जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि पानी के बगैर बिल्कुल ज़िंदगी नहीं है। सो व्यूअर्स, राइट नाउ इस टाइम पे आ चुके हैं जो कि खसाला डैम है, और ये पीछे मेरे डैम नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हमें ये विज़िट करवा रहे हैं, उन्होंने बताया जो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये इनका डी ब्लॉक है और सामने वो ई ब्लॉक है। ये एरिया जो है ये फार्म हाउसेस के लिए है, और फार्म हाउस की जो लैंड है लोग बहुत कम दिखाते, खाली डैम दिखा देते हैं, तो यहाँ पे मैं आज थोड़ा सा आपको ये दिखा रही हूँ कि ये जो चारों तरफ इनकी जो कि फार्म हाउसेस की लैंड है, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है, और यहाँ पे भी काफ़ी कटिंग वगैरह हुई हुई है, और मज़ीद यहाँ पे भी कुछ इन्होंने हल्की फुल्की मशीनरी इस टाइम पर लगाई हुई है। जैसे ही सेक्शन 4 हटेगा तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फार्म हाउसेज़ का काम बहुत स्पीडली स्टार्ट कर दिया जाएगा। अच्छा भी जर्नल ब्लॉक का विज़िट हुआ है हमारा, और तकरीबन 10 किलोमीटर जो है वो मीटर रीडिंग हो गई हुई है हमारी, जर्नल ब्लॉक का जस्ट ये ओवरऑल अभी विज़िट हुआ है, और ओवरऑल कहें तो काफ़ी सारी लैंड है जिसको हम प्रॉपरली जाके विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हर तरफ हम सोसाइटी के गए कि कहाँ तक इनकी लैंड है, और जर्नल ब्लॉक का विज़िट करने के बाद ये पता चला कि जी वाकई जर्नल ब्लॉक में काफ़ी लैंड है, और मैं इसको फिगर आउट नहीं कर सकती, इन्होंने बताया भी है सोसाइटी वालों ने आपको अभी इफ्तिखार साहब ने कि कितनी लैंड है, लेकिन ये आप देख सकते हैं आंखों से देखी हुई चीज़ ज़्यादा इंसान को सेटिस्फाइड करती है, ना कि बातों से कहें। तो यहाँ पे मैंने जो विज़िट किया आई एम सेटिस्फाइड कि जर्नल ब्लॉक की लैंड इनके पास है, और राइट नाउ अगर कोई और चाहता है कि लैंड जर्नल ब्लॉक में नहीं है तो वो आके विज़िट कर सकता है। और अभी मैं चलती हूँ और एग्जैक्टिव ब्लॉक की तरफ वापस। तो व्यूअर्स, अभी हमने आपको जर्नल ब्लॉक का विज़िट करवाया है, और इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम आ चुके हैं इसके एग्जैक्टिव ब्लॉक, और अब हम विज़िट करेंगे एग्जैक्टिव ब्लॉक की लैंड का, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्टार्ट में आप थोड़ा सा ड्रोन शॉट्स दिखा के और लैंड दिखा देते हैं,
तो आज ही हमें कंप्लीट विजिट करवाएंगे, क्योंकि हम तो वीडियो बनाने आते हैं, मेन मेन पॉइंट्स पे आके खड़े होके लैंड दिखा जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल आज हमारा विजिट हो रहा है रुडन की लैंड के ऊपर हो रहा है, तो ये इफ्तिखार साहब हमें गाइड भी करें। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस टाइम मैं एग्जीक्यूटिव के मेन एंट्रेंस पे मौजूद हूँ, यहाँ से हम आगे जाएंगे और थ्रू आउट जो है यहाँ पे विजिट करेंगे, और कुछ जो चीज़ें इनसे मालूम हो सकी मज़ीद हमें, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये जो रोड है जिस पे हम जा रहे हैं, हम इसे मेन बुलेवर्ड समझते रहे हैं, लेकिन मुझे क्लियर हुआ जी कि मेन बुलेवर्ड रोड तो वो साथ वाली है जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है, तो क्या मतलब इतना बड़ा आपने इसका सर्विस रोड दी है, ये थोड़ा सा बताएं। इसमें आपका जिस रोड के ऊपर हम जा रहे हैं, ये इसका सर्विस रोड है, बुलेवार्ड एक्चुअली लेफ्ट साइड पे है, जो कि 280 फीट का है, जो इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बुलेवार्ड बन रहा है, और जो कि ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। जब हम आगे जाएंगे तो उसके ऊपर आपको मैं ब्रीफ भी करूँगा। स्टार्ट में आप देख के राइट साइड पे हमारे साथ ये कॉफ़ी शॉप बन रही है, इसी के साथ आगे मस्जिद है जो कि फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, जिसमें जितना भी इसका काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। फिर हार्टिकल्चर की देखें, यहाँ पे न्यू लीफ की एक नर्सरी बन चुकी है, और सराउंडिंग जितना भी आप देख रहे हैं सारे आपको ग्रीन बेल्ट नज़र आ रहे हैं। अच्छा ये काफ़ी आप लोगों ने ये ग्रीन एरिया वगैरह, इसको मतलब ग्रीनरी वगैरह को मेंटेन कर रहे हैं, तो मज़ीद मतलब ये जो है इसका मेन बुलेवार्ड को कारपेटेड कब तक आप लोग करेंगे? इसमें अभी जो ही हमारा ये साथ मेन बुलेवार्ड कम्प्लीट होता है, इसका जो सर्विस है ये फाइनल स्टेज के ऊपर जाता है, फिर इसे एक साथ ब्लैक टॉप कर देंगे। फिर हार्टिकल्चर में आप देखें जितने भी रोड्स हैं इसके साथ, इवन के जो हमारी लेफ्ट साइड पर सर्विस रोड है वहाँ पर प्लांट्स वगैरह लग चुके हैं, फिर इसी के साथ बैक पे फैक्ट्रीज़ वगैरह भी लगी हुई है, यानी कि UPDL ने यहाँ पे प्रॉपर सेटअप किया, उसके जितने भी तीनों इदारे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, हार्टिकल्चर की टीम है, कंस्ट्रक्शन की टीम है, और यहाँ पे स्पेशली एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये बैक एरिया यहाँ पे UPDL ने अपने पूरा सेटअप किया जिसमें इसका प्री कास्ट एरिया है। प्री कास्ट आपको बताता चलूँ कि जब डेवलपमेंट में सबसे जो मेन मेजर जो की होती है वो आपका प्री कास्ट एरिया होता है, अगर ये आपका अपना है तो आपका जितना भी प्रोजेक्ट है उसके लिए बड़ा जो है वो फ़ायदेमंद है, ये आपका प्री कास्ट एरिया का। जबरदस्त देखिए, अभी ये लेफ्ट साइड पे हम टर्न कर रहे हैं, ये आपका मेन बुलेवार्ड आ गया, ये मेन बुलेवार्ड है इसका जो कि 280 फीट का है, आप इसको देख सकते हैं फाइनल स्टेज के ऊपर, ये इसका अभी मशीनरीज वगैरह चल रही हैं, ठीक है, ये फाइनल स्टेज के ऊपर है। अच्छा, इसको आप जो है फ्रंट से ओपन करेंगे, मतलब जो आपका मेन फ्रंट है वो काफ़ी कम मुझे लगता है, तो क्या आप ये डायरेक्टली जाके उससे कनेक्टेड होगा? जी बिल्कुल, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, ये तकरीबन जो मेन इसका फ्रंट होगा एग्जिटर ब्लॉक का, ये 500 प्लस मीटर होगा। इस साइड पे आप देखें जितनी मशीनरीज वगैरह चल रही है, सारी डंपिंग चल रही है, डोजर वगैरह चल रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में आपको वर्किंग वगैरह नजर आएगी। सो व्यूअर्स, राइट नाउ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मीट में मौजूद हैं, और थोड़ा सामने का यहाँ से इनसे क्वेश्चन भी कर लें, और ये बड़ा अच्छा व्यू था, और यहाँ से ओवरऑल सोसाइटी का व्यू भी हो रहा है, तो मैंने कहा यहाँ पे आपको टॉप से आपको दिखाएंगे। ये देखें जी पीछे जो लैंड है, मुझे तो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, लेकिन अब मैं इनसे पूछूंगी इफ्तिखार साहब से कि इफ्तिखार साहब ये बताएंगे कितने हज़ार कनाल के ऊपर जो है ये लैंड, कितने एरिया के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है? बेसिकली जो हमारा एरिया फिनिश हो चुका है, जहाँ पे RAD रोड को और प्लॉट्स का स्ट्रीट साइज जो कंप्लीट हो चुकी हैं, ये तकरीबन 2000 कनाल हो चुका है, और फर्दर अगर आप बैक की साइड पे देखें, इस साइड पे मशीनरीज लग रही है, और लेफ्ट साइड पे आप देखें यहाँ भी जितनी इस साइड पे जमीन है, इसे डबल जमीन है बैक के ऊपर है, यहाँ पे अभी मशीनरी ऑन ग्राउंड वर्किंग कर रही है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं 2000 कनाल के ऊपर आपकी डेवलपमेंट चल रही है? ये कम्प्लीट है। अच्छा अच्छा, ये कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि अभी जो मज़ीद आगे जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि कटिंग चल रही है ओवरऑल सोसाइटी में, तो आप लोगों का एक हाई पॉइंट कमर्शियल भी आप लोगों ने बताया था जिसमें, तो उसकी लोकेशन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में कहाँ पे आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, और वहाँ पे क्या डेवलपमेंट भी हो रही है? इसके लिए बेसिकली मैं आगे आपको नेक्स्ट जो आगे हम जाएंगे उसको एरिया आपको विजिट कराता हूँ, जहाँ पे बेसिकली अभी कटिंग स्टार्ट है, क्योंकि रिसेंटली हमारा हाई पॉइंट एक जो कमर्शियल लॉन्च हुआ है उसकी कटिंग आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो मेरे हाल से चलते हैं वहां पे, थोड़ा सा हाई पॉइंट का भी आप हमें बताएं, बड़ा अच्छा कमर्शियल आपने लॉन्च किया था। कुरतलैन अभी उस पॉइंट के ऊपर है जिसमें आपको अभी बता रहा था कि ये बेसिकली वो हाई पॉइंट है जहाँ पे हम कमर्शियल लॉन्च किया है, यहाँ पे आप देखें मशीनरीज वगैरह स्टार्ट। अच्छा, ये हाई पॉइंट पे आप लोगों ने डेवलपमेंट स्टार्ट भी कर दिया जो अभी न्यूली लॉन्च किया था? बिल्कुल कर दिया। अच्छा अच्छा, और इस तरफ जो है एरिया आपका कहाँ तक जाता है? वो मुझे लग रहा है कि वो आपका डैम यहाँ से भी व्यू हो रहा है। बेसिकली ये जो इसके बैक पे आ रहा है, ये जावा डैम आ रहा है जिसका आपको बैक पे व्यू नजर आ रहा है, ठीक है, ये वो जावा डैम है जिसके से और ये जो है ये 2000 कनाल के अलावा जो लैंड है उसके अंदर ये डेवलपमेंट हो रही है। ये तकरीबन जो एग्जीक्यूटिव की राइट नाउ लैंड है तकरीबन 4000 प्लस कनाल के ऊपर। टोटल आपके पास जो एग्जीक्यूटिव की लैंड है वो कितनी है?
4000 प्लस कनाल के ऊपर है। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट पैचेस पे हम आगे जाएंगे जहाँ पे मशीनरी काम कर रही है। ये जस्ट जो हमारा हाई पॉइंट है इसके ऊपर काम कर रही है। अच्छा, आगे भी स्टार्ट है। लोग आते हैं और कहते हैं कि रुडन इंटेक के पास लैंड नहीं है, मैंने तो विजिट की है, तो आपका कोई मैसेज है? क्योंकि आप लोग साइड पे होते, काम कर रहे होते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते, तो आप लोगों को ज़्यादा वो होता है कि यार लोग कैसे कह रहे हैं कि ये लैंड नहीं है, तो आप थोड़ा सा बताएं। मैडम आपका विजिट कम्प्लीट होगा, डेफिनेटली आपको 3 आवर्स का विजिट कराया है, अगर डिटेल करता तो विद इन 6 आवर्स अब लगते हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सोच के बहुत ज़्यादा हमें पता चल गया भाई रुडन के पास लैंड है। अब आप जिन लोगों को नहीं समझ आती कि लैंड की जो खास तौर पे बात करते हैं, उनको भी कहूँगी एक बार आएं और विजिट करें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। इस पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जारी बात है कि आप जब भी आई हैं तो आप सबसे जो आपको ज्यादा शिकायत रहती थी कि डेवलपमेंट के ऊपर कि रुडन की डेवलपमेंट स्लो है, आज जितने भी आप अपने नाजरीन है जो देखने वाले हैं उनसे आप ये बताएं कि रुडन की डेवलपमेंट कैसी है और किस पेस से काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ तो मैं ही पकड़ाई आ गई हूँ, आज मैं इनको छानबीन करने आई थी, ये लोग मुझसे ही। अच्छा, ऑनेस्टली मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं स्टार्ट से आई थी तो वाकई जो डेवलपमेंट थी, ये डे फर्स्ट से आपसे तो हमारी इंट्रेक्शन हो रहा है तकरीबन 1.5-2 साल से जब से मैं आ रही हूँ, तो उस टाइम तो डेफिनेटली 0 थी। अभी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी जो डेवलपमेंट चल रही है इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली जो लीगल चीज़ें चल रही होती हैं उनके साथ साथ आपको लेके चलना पड़ता है, और साथ ही जैसे ही इनकी अपकमिंग NOC आने वाली है तो वो आएगी, तो ये इनका कहना है कि बहुत स्पीडली हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों का सफ़र जो है बड़ा अच्छा जा रहा है और इसी तरह चलता रहे, और आप लोग इसी को इसको मज़ीद मतलब इसी तरह स्पीडली चीज़ें करते रहें। इसमें आप देखें कि हमारा जो प्रॉपर जो डेवलपर यहाँ पे जो UPDL अपना यहाँ पे चार्ज लिया, यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट किए, मैक्सिमम आपके 6 मंथ हुए हैं। ठीक है, जिसमें आप देखें आपका मेन बुलेवार्ड जो है वो फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, आपके 2 बड़े प्रोजेक्ट जैसे साइट ऑफिस और मस्जिद वो कंप्लीट के ऊपर है। अभी नेक्स्ट हम एक नंबर ऑफ 5 यूनिवर्सिटी का कैंपस लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा, और इसी के साथ एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। बाकी जितनी स्ट्रीट सर्विस रोड ये तो चल ही जा रहे हैं, तो साथ में हम जो जितनी बेसिक कम्युनिटीज है वो स्टार्ट से ही हम उनको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर भी आपका काम चल रहा है। थैंक यू सो मच, आपने हमें साइट का विजिट करवाया, काफ़ी सारे हमने राज साहब से भी क्वेश्चंस किए, और बाकी ये था कि साइट डेफिनेटली साइट के ऊपर आप मौजूद हैं और आपने हमें लैंड का बहुत अच्छे से विजिट करवाया है, तो हमें सेटिस्फाइड किया है। और मैं ये कहूँगी कि सेटिस्फाइड होने वाली बात भी नहीं है, आप जिन लोगों को कंसर्न्स होते हैं तो वो आके ऑन ग्राउंड चीज़ों को देख सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ना हमारी बात सुने व्लॉगर्स की, ना किसी डीलर की बात सुने, आप आएँ, या अपने अगर आप इस सिटी के अंदर मौजूद नहीं हैं तो आप किसी रिलेटिव किसी फ्रेंड को भेजें और साइट का हमेशा विज़िट करें, और ऑन ग्राउंड आके अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ के देख सुन कर लें। तो मैं इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रुडन इनक्लेव का विज़िट। बहुत सारी हवा चल रही है यहाँ पे, सुबह से जब से हम आए तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कुर्ते लैंग को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।